जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान, मीन्स ये हुआ लुसेंट सब्जेक्टिव बुक, जिसमें हमारा चल रहा है मध्यकालीन इतिहास। और आज हम पढ़ेंगे इसका 32वां एक्सरसाइज, सूफी आंदोलन। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी छोटा भी है, तो तेजी से कम्प्लीट भी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते हैं, मीन्स जो सूफी संत को फॉलो करते हैं, उसे मुरीद कहा जाता है। प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि मुरीद किसे कहा जाता है, या नहीं तो जो सूफी संतों को फॉलो करेगा, जो उसका सदस्यता ग्रहण करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहा जाता है मुरीद। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये मुरीद। सूफी जिन आश्रम में निवास करते हैं उसे खानकाह या मठ कहा जाता है। खानकाह या मठ किसे कहा जाएगा, जहाँ पे सूफी संत या फिर मुरीद ये लोग निवास करेगा, उसे खानकाह या मठ कहा जाता है। सूफियों के धर्म संघ मीन्स बाह सारा, जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक हैं, और बे सारा, जो इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं हैं, में विभाजित है। यहाँ पे दो टर्म हो गया कि सूफी जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड हो गया, कि एक जो इस्लामी सिद्धांत का समर्थन करता है उसको हम कहते हैं बाह सारा, और एक होता है बे सारा, जो इस्लामी सिद्धांत से बंधा नहीं है, बंधन में नहीं है, बस उसको फॉलो कर रहा है। भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले में जड़ें काफ़ी गहरी तक है। हालांकि आपको ये जानना जरूरी नहीं है, फिर रिपीट कर लो। भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। आगे प्रश्न पे आते हैं। ऊपर का दो जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मठ और जो मुरीद कहा जाता था वो। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला का शुरुआत किया, और इसका मुख्य केंद्र कहाँ पे था, अजमेर था। इस सेंटेंस को नहीं भूलो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ पे था, अजमेर में था। ओके, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख लो कि चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था, अजमेर था, और इसका शुरुआत किसने किया, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती ने। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत भी थे, जिसमें निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे, ये भी कई बार पूछ लेता है। बाबा फरीद किसके शिष्य थे, बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब। बाबा फरीद की रचनाएं कौन सी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, एक तो था निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। अलाउद्दीन साबिर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर निज़ामुद्दीन औलिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम क्या हो गया, बाबा फरीद। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सल्तनतों का शासन देखा। इनमें इसके प्रमुख शिष्य जो थे वो था शेख सलीम चिश्ती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। यहाँ पे अमीर खुसरो और शेख सलीम चिश्ती दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ, जो किसके मीन्स शिष्य थे, तो निज़ामुद्दीन औलिया के, निज़ामुद्दीन औलिया का। जहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में जिक्र हुआ था, वहाँ भी एक बार ये सेंटेंस जिक्र हुआ था कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, तो निज़ामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो का जहाँ जिक्र हुआ होगा वहाँ पे इसके शिष्य मीन्स इसके गुरु का नाम क्या हो जाएगा, निज़ामुद्दीन औलिया, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। साथ ही सलीम चिश्ती भी उसी का शिष्य था। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। ओके, सूफियों के सुहरावर्दी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना शेख सियाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने किया, किंतु 1262 ईस्वी में उसने सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को जाता है। ओके, इन्होंने सिंध और मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्मसंघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश, बुरहान आदि, ये सब उसका प्रमुख धर्मसंघ का प्रमुख संत था। आगे एक सेंटेंस और लिखा है, सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला संतारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की, जिसका मुख्य केंद्र बिहार था। ये अगर आप स्टेट किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या स्टेट एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले का शुरुआत किया, जिसका मुख्य केंद्र कहाँ था, बिहार था। कादरी धर्मसंघ या सिलसिला का स्थापना सैयद अब्दुल कादिर
अल जिलानी ने बगदाद में किया था। भारत में इस सिलसिला का प्रवर्तक मोहम्मद गौस था। इस सिलसिले के अनुयायी गाना बजाने का विरोध करते थे। ये लोग सिया मत के विरुद्ध थे, मीन्स सुन्नी यहाँ पे नहीं लिखा गया, ये लोग क्या थे, सिया मत के विरोधी थे। इन्हें गाना बजाना पसंद नहीं था। राजकुमार दारा, ये शाहजहाँ का श्रेष्ठ पुत्र था, कादिरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य भी था। फिर से रिपीट कर लो, राजकुमार दारा कादिरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। मीन्स कादिरी का जो मुल्ला शाह था उसका शिष्य यहाँ पे राजकुमार दारा था, और राजकुमार दारा कौन था, शाहजहाँ का श्रेष्ठ पुत्र था। नक्शाबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने किया था। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्ला ने किया। भारत में इसमें व्यापक प्रचार का श्रेय बाकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। देखो ये इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर रुक नहीं रहा, क्योंकि वही पढ़ो जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। फिरदौसी पर समझो सब कुछ, ऐसा नहीं कि बस लाइन बाई लाइन पढ़ रहे हैं कि जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ रहे हैं, तो कहीं तब वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। फिरदौसी सुरहावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार में था, ये हम पढ़े थे अभी ऊपर। इस सिलसिले को शेख शरीफाउद्दीन यांगा ने लोकप्रिय बनाया। यांगा ख्वाजा निजामुद्दीन का शिष्य था। यांगा ख्वाजा ये भी नियामुद्दीन ओहलिया का ही शिष्य था। तो यहाँ पे आपका भक्ति आंदोलन अब शुरू होता है। आगे इसको हम सेशन को एंड करते हैं, अगले पार्ट में कम से कम ये करेंगे, ताकि इससे आपका ये होगा कि एक पार्ट में एक टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।